The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, what is varicose veins and spider veins? ये दोनों के बीच में बातचीत होगी. So, varicose vein, spider vein, ये दोनों के दोनों swollen, twisted vein है. छोटी-छोटी खून के नसें हैं जो सूज जाती हैं, twist हो जाती हैं. आपके ज़्यादातर पैरों में ऐसा होता है, हाथ में भी हो सकता है, but पैरों में होता है. Female में ये ज़्यादा commonly होता है और pregnancy और उम्र के साथ मोटापे में आपके risk बढ़ते जाते हैं इन दोनों चीज़ों के. और ये कोई पेन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की चीजों में. इट्स पेनलेस, इट इज नो मेजर इशू इन दैट काइंड ऑफ अ केस. कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई जानलेवा चीज नहीं है. एकदम से हेल्थ मेजर लिवर किडनी खराब होने वाली है इससे, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो अगर इसके कोई सिम्टम नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको इसको एकदम से रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको इसमें सिम्टम होने शुरू हो जाए, तब जाके आप बात करेंगे कि भाई मेरे को इसका क्या इलाज कराना है, मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट करना है. राइट. सो वेरिकोज वेन भी ट्विस्टेड वेन्स है. वेन्स ट्विस्ट क्यों हो गई, एकदम ऐसी मोटी मोटी ऐसे 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 क्यों हो गई, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है. ये बेसिकली वेन्स जो होती हैं, खून वापस आपके हार्ट में लेके आती है. आर्टरीज होती है जो खून ले जाती हैं हार्ट से. वापस लेके आने वाली वो जो होती है ना, वो भाई साहब जो होती है ना, उसके अंदर वैल्व्स होते हैं. क्यों वैल्व्स होते हैं, वो ऐसे पुश करती हैं, फिर वापस आने लगता है ना ग्रेविटी, ग्रेविटी से तो वैल्व बंद हो जाती है. ऐसे वैल्व होती है, पुश वापस आया बंद, पुश वापस आया बंद. सो ऐसे पुश मतलब नीचे से प्रेशर आएगा तो खुल जाएगा, और ऊपर से प्रेशर आएगा तो बंद हो जाएगा, एकदम से ऐसे बंद हो जाएगा. सो अगर ये वैल्व खराब हो गई, अगर ये वैल्व खराब हो गई, मान लो एक वैल्व फुस हो गई, तो क्या होगा, ये वैल्व से नीचे डबल प्रेशर नीचे आएगा, तो डबल प्रेशर नीचे वाली वैल्व फैल जाएगी, तो नीचे वाली वैल्व फैल जाएगी, फैलते फैलते वेरिकोज वेन हो जाएगा. और यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि वैल्व खराब हो रही है. वेरिकोज वेन वैल्व खराब होने की वजह से रहती है बड़ी वेन्स में. स्पाइडर वेन्स जो होती हैं, और ये स्पाइडर वेन्स बहुत छोटी 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 वेरिकोज वेन को स्पाइडर वेन बोलते हैं, इतनी छोटी छोटी. और ये लाल कलर की होती है, छोटी छोटी होती है, और ये एकदम ट्री की ब्रांचेज या स्पाइडर वेब के जैसा दिखता है. और ये चमड़ी के नीचे हो सकती है, गोरे लोगों में ज़्यादा दिखती है. और फिर ये फेस में भी हो सकती है, पैरों में भी हो सकती है. राइट. सो जैसा हमने बताया, जो ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, जिनको इस तरीके के रिस्क फैक्टर जो हमने पहले बताया, उनको हो सकती है ये प्रॉब्लम्स. और सिम्टम क्या होगा, पहले तो कोई सिम्टम नहीं होगा ज्यादातर केसेस में. कोई जब ये बड़ी हो जाएगी, वेरिकोज वेन बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे, आप खड़े हो, फिर भी खड़े हो, फिर भी खड़े हो, फिर भी खड़े हो, सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, पैर सूज जाएगा, पैर सूज जाएगा, पैरों में सूजन आनी शुरू होगी, क्योंकि वेन्स में प्रेशर होके वेन्स पानी छोड़ना शुरू हो जाएगी, फिर वेन्स प्रेशर होके वेन्स फूल फूल के चमड़ी को दबानी शुरू कर देगी, और वेन्स फूल फूल के पतली होती जाएगी, फिर वेन्स में क्रैम्पिंग पेन आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको इचिंग भी होगी, क्योंकि वो दबा रही है. कोई भी चीज़ किसी चीज़ को दबाएगी तो इचिंग तो होगी. सोचो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ दबाते जा रही, एक टाइम के बाद इरिटेशन, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है. इचिंग, स्वेलिंग, पेन, थ्रॉबिंग, क्रैम्पिंग पेन, ये हो सकता है. उसके बाद आपके हार्मोन लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये पेन काफ़ी प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मीनोपॉज के टाइम पे ऊपर नीचे हो सकता है, पेन बढ़ सकता है. सो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो याद रखिए, यही चीज़ें हो रही है आपके केस में, वेरिकोज वेन में भी, स्पाइडर वेन्स में भी. दोनों ही केसेस में अगेन प्रॉब्लम इज इन द वैल्व्स. सो उसके अलावा पैरों में होता है, इसमें होता है. अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, लालपन कालापन हो रहा है, दर्द हो रहा है पैर दबान पैर में, तो आप जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे. अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएंगे. अगर पैरों में कोई रैश सा बन रहा है तो डॉक्टर को दिखाएंगे. अगर वेरिकोज हर प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, याद रखो. सो डायग्नोसिस कैसे होता है वेरिकोज वेन का, अल्ट्रासाउंड या वीनोग्राम. अल्ट्रासाउंड में सेफ है, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. ऊपर से ऐसा वेन को देखते हैं, कहाँ है वेन, कितनी मोटी है, कितना कैलिबर है, वो उससे पता चल जाता है वेरिकोज वेन है क्या नहीं है. इसको बोलते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड पैर का होता है. पूरी पैर में पूरे ब्रांचेज होते हैं वेन के, इसलिए उसको टाइम लग जाता है, कई बार आधा घंटा एक घंटा लग जाता है अल्ट्रासाउंड करते करते. इट्स अ लॉन्ग टेस्ट, इसलिए महंगा होता है, 4-5 हज़ार का हो जाता है वीनस डॉपलर, आर्टीरियल डॉपलर. राइट. तो वीनोग्राम भी एक टेस्ट है. वीनोग्राम में आपका दवाई डाली जाती है, इसलिए वो प्रेगनेंसी वाले केस में नहीं होता. और दवा जो है वो वेन्स में जाएगी, एक्सरे लिया जाएगा या सीटी भी लिया जा सकता है. सीटी या एक्सरे करके
वीनोग्राफी की जाती है, सीटी स्कैन या एक्सरे करके, वीन उसमें बस वेन में कॉन्ट्रास्ट डाला जाएगा जो एक्सरे में वेन दिखेगी, उससे दिख जाएगी भी शेप क्या है, साइज क्या है, कोई क्लॉट है क्या है, सब दिख जाएगा उसमें, राइट। सो जी हाँ, वेरिकोज वेन अगर बहुत बड़ी हो जाए तो उसमें रिस्क होता है क्लॉट बनने का। मान लो कहीं इतनी पतली सी वेन है वो फैल के इतनी बड़ी हो गई, अब इतनी बड़ी वेन में इतना सारा ब्लड जमा है तो वो ब्लड रुकेगा भी, क्लॉट भी बनने के चांसेस होंगे। वेर एवर द ब्लड स्टॉप्स क्लॉट फॉर्मेशन बिकम्स इज मोर। सो याद रखिए, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, वो क्लॉट वहां से निकल के आपके राइट साइडेड हार्ट, ब्रेन, लंग इसमें जा सकता है, दैट इज अ रिस्क इन वेरिकोज वेन। एंड उसमें क्लॉट होता है तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस दोनों हो सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। सो दैट इज वन थिंग अबाउट दिस। ठीक कैसे करते हैं, अगर सिम्टम्स कम है तो उसके कारण को ढूंढो, मोटापा है, खड़े रहते हो, काम कंडक्टर हो, शेफ हो, राइट, आते हैं हमारे पास शेफ भी, कंडक्टर्स भी, कई ऐसे लोग जिनका काम ही खड़े होना है, सो उनको हम बताते हैं भैया हाई चेयर ले लो, भैया ऐसा है जब खड़े होते हो तब कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लो, जब नहीं खड़े हो तो जाके लेट जाओ, पैर ऊपर करके हार्ट के ऊपर लेवल पे पैर रख लो, दिन में 4 बार, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर खाली हो जाएगी वेन, एक्सरसाइज करो पैरों की, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। और तो स्टॉकिंग्स हैं और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है और लाइंग डाउन विथ योर लेग अप अबव द हार्ट लेवल है और जब सोते हो तो पैर के नीचे तकिया है, तो ये सब है। और ज्यादा केसेस, ज्यादा लंबी हो गई, ज्यादा मोटी हो गई वेरिकोज वेन, तो फिर लगता है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट जो है वेरिकोज वेन का, याद रखिए, कारण नहीं ठीक करोगे तो वापस हो जाएगा भाई, ठीक है, वेरिकोज वेन इतनी है, एक वेन सूजी है, क्यों सूजी, प्रेशर था सूजी, मोटापा था सूजी, खड़े हो ज्यादा सूजी, राइट, वेन खराब हो रही है सूजी, और नहीं पतले नहीं हुए, पतले नहीं हुए, काम भी नहीं छोड़ा, बस ऑपरेशन करा लिया तो दूसरी सूजी, बोले ये क्या फायदा नहीं ऑपरेशन का, ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है ना बीमारी क्या है तो ठीक कैसे करोगे, राइट। सो यू नीड नॉलेज अबाउट योर एनिमी टू डिफीट देम परमानेंटली। सो जी हाँ, वापस आ सकती है अगर आप सही से सपोर्ट नहीं करोगे। सो रेगुलर आगे क्या सपोर्ट करना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चाहिए, आप ओवरवेट हो, वजन कम करो, बहुत देर बैठो नहीं, बहुत देर खड़े मत रहो, बहुत देर ऐसे एक ही चीज ज्यादा नहीं करनी है, खड़े हो जाओ, आधे घंटे में हिलो, आधे घंटे में एक पोस्चर चेंज, पोस्चर चेंज अलग चेंज, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनो और पुट योर फीट अप, रोज का काम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, 2-3 साइज लेकर आओ, पहन के देखो कौन सा सही लग रहा है, फिट हो रहा है वो पहनो। फिर दूसरे ट्रीटमेंट क्या है, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट होते हैं स्क्लेरोथेरेपी, क्लोजर सिस्टम, परक्यूटानियस लेजर ट्रीटमेंट, एंडोविनस थर्मल एनर्जी लेजर एब्लेशन, लेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये सारे होते हैं, ये सारी चीजों का काम है कि आपकी बस वेन्स जो है सिकुड़ जाएं। तो देखो, ठंडे पानी में वेन रखने से भी वेन्स सिकुड़ जाती हैं, लेकिन उस केस में वेन परमानेंटली नहीं सिकुड़ती, उसको गर्म मिलेगा वापस फैल जाएगी। सो टेम्पररी वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन और स्क्लेरोथेरेपी में वेन पूरी की पूरी पचक बंद हो जाएंगी, यहाँ खराब वेन बंद, वो नहीं ठीक होने वाली। सो लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज या ये सब करने, जो भी बाकी लाइफस्टाइल चेंज, उससे पूरी की पूरी वेन ठीक नहीं होने वाली, याद रखिए, इट्स नॉट गोइंग टू क्योर योर प्रॉब्लम, इट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प यू लिव विद इट, उसके साथ जी सकते हो लंबे समय तक, दैट इज दिट, राइट। स्क्लेरोथेरेपी में इंजेक्शन दिया जाता है केमिकल का वेन के अंदर, वो वेन सिकुड़ जाती है, राइट। क्लोजर थेरेपी बेसिकली जो स्किन के नीचे होती है, बिल्कुल स्किन के नीचे, उनके लिए काम करती है, वो एक एडहेसिव, एक टाइप का एडहेसिव स्टिकी मटेरियल इंजेक्ट कर देते हैं और उससे क्या होता है, वो एकदम चिमड़ी के नीचे वो वेन क्लोज हो जाती है, बेसिक चीज़ है, और कोई डीप वेन में नहीं काम कर सकती है। परक्यूटेनियस लेजर का मतलब है यहाँ से ही, इससे बाहर से ही, ऊपर से लेजर मारते हैं, ऊपर से लेजर मारते हैं, परक्यूटेनियस लेजर, जहां जहां वेन दिख रही है उसके ऊपर लेजर मारा, टाइंग आई 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 आई, वो लेजर से सिकुड़ता गया। और एक एंडोवेस्कुलर लेजर होता है, मतलब वेन के अंदर, वेन के लिटरली वेन के अंदर छोटी सी पतली सी तार डाली, उसमें लेजर है और वो अंदर अंदर से उसको दूर जाए, फिर ऐसे से लेते गए, सिकुड़ते गए, पूरी निकाल ली, पूरी की पूरी वेन खचा, सिकुड़ गई। सो दैट इज वॉट पीपल कैन डू विदाउट सर्जरी। सर्जरीज क्या क्या होती है, सर्जरी में फ्लेबेक्टॉमी हो सकती है, लाइगेशन हो सकता है, स्ट्रिपिंग हो सकती है। फ्लेबेक्टॉमी में वेरिकोज वेन का बिल्कुल चमड़ी के नीचे है तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है, डॉक्टर एक छोटा सा कट मारता है, वेन को हुक करता है, वहां से उसको थोड़ा सा वेन एक ही बार में निकाल देता है छोटे से स्कार्स में। सर्जिकल लाइगेशन भी ऐसी होता है कि वेन में खून आना ही बंद कर दो, जहां से वेन में खून आ रहा है वो बंद कर दिया, और स्ट्रिपिंग होता है ऊपर नीचे से बंद कर दिया फिर उधर से खींच के निकाल दी, बेसिकली सर्जरी में वेन ही निकल जाती है, दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते ये ट्रीटमेंट, सस्ते होते हैं, राइट। आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है किसका क्या खर्चा है, किसका कितना परमानेंट इफेक्ट है, राइट। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स,
फिर से होता है कि नहीं, डिपेंड करेगा आपकी चीजें में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अल्सर बन सकता है अगर कुछ नहीं करोगे, अल्सर बनेगा, सोर बनेगा, ब्लीडिंग हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया तो वो जानलेवा क्लॉट ऊपर फेंक सकता है। सो डोंट इग्नोर इट। अगर सूजन है तो बिल्कुल इग्नोर मत करो, सूजन नहीं है, दर्द नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो बिंदास जो मैंने स्टेप्स बताए ऊपर उसके साथ जी सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट वेरिकोज वेन, जो आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन हम बता चुके हैं, सब कुछ समझा चुके हैं। अच्छे से लाइक करिए इस टाइप टॉपिक को, वीडियो को शेयर करिए, जोरदार तरीके से अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड है।